हे गाइस, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं डिजिटली योर्स। और मैं इमरान लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने वन प्लस थ्री में हर एक कॉन्टैक्ट का अलग अलग रिंगटोन आप सेट कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो को आप एंड तक देखिए और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको एक लाइक, एक थम्सअप दीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए डिजिटली योर्स। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने हर एक इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट का कस्टम रिंगटोन भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिकली करना ये है कि अपने फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप रिंगटोन्स फोल्डर में जो भी आपको कस्टम रिंगटोन सेट करना है आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद अपने डिफ़ॉल्ट डायलर को ओपन कीजिए और जिस ऐप को, जिस कॉन्टैक्ट को आपको कस्टम रिंगटोन देना है उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद रिंगटोन पे क्लिक कीजिए। रिंगटोन पे क्लिक करने के बाद ये देखा आपने बहुत सारे रिंगटोन्स ऑलरेडी यहाँ पे है, ये डिफ़ॉल्ट रिंगटोन्स हैं। तो आप वैसे भी अब अलग अलग कॉन्टैक्ट्स के अलग अलग रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको अपना कस्टम रिंगटोन अगर सेट करना है तो आपको लोकल रिंगटोन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखा आपने मैंने जेम्स ब्लंट का और एक ये और दो तीन और सॉन्ग्स जो है मैंने ये पहले से ही मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। दूसरे कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ और रिंगटोन जो है आपको अच्छा लगता है तो गाइस, इस तरह आप अपने हर एक कॉन्टैक्ट का कस्टम रिंगटोन, चाहे तो आप कस्टम रिंगटोन या फिर डिफ़ॉल्ट रिंगटोन जो है वो अलग अलग रिंगटोन अलग अलग कॉन्टैक्ट्स के आप सेट कर सकते हैं इजीली। ये काफ़ी कूल फीचर है और शायद आपने इसको ट्राई नहीं किया है, तो अगर ट्राई नहीं किया तो इसको ट्राई कीजिए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइस इसको ज़रूर एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए डिजिटली योर्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।